गाइस मैं राजू और आप देख रहे हो टेक्निकल एचआरटी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम वैक्सीन का कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड बनता है, वैक्सीन का कार्ड हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि हम वैक्सीन का कार्ड कैसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेना होगा। वन मिनट दोस्तों, मैं वैक्सीन का एक सर्टिफिकेट ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरा वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। ठीक है, वन मिनट। तो इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। ओके, यहाँ पर कॉपी कर लाऊँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोटोशॉप को ऑन करना है आपको। बहुत सारे लोग ये मतलब सर्च कर रहे हैं कि हम वैक्सीन का जो कार्ड है वो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी होता है या आधार कार्ड होता है सेम टू सेम। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर आपको पता चल जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर वैक्सीन मैंने ले लिया है 300 रेजुलेशन में, फोटोशॉप के अंदर आ गया है। देखिए, इसका डुप्लीकेट एक बना लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट मैंने बना लिया क्योंकि दो फाइल को आपको काट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर का पोर्शन फर्स्ट टाइम आपको काट करना होगा। क्रॉप कर लीजिए, यहाँ पर जो साइज है साइज में ब्लैंक रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक रखिए। ये हो गया आपका फर्स्ट साइड। ओके, फर्स्ट साइड मैंने क्रॉप कर लिया। अब इसको हम इसे छोड़ देते हैं। अब सेकेंड साइड को हम क्रॉप करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्रॉप टूल में है और यहाँ पर सेकेंड साइड नीचे वाला क्रॉप करते हैं। ओके, तो नीचे वाला भी क्रॉप हो गया। अब ये दोनों जो है साइज में लाना है। कैसे साइज में लाओगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर एक न्यू फाइल लीजिए। ओके, न्यू फाइल लीजिए, A4 हो गया यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको निकालना है। कंट्रोल N करके भी आप कर सकते हो, अदरवाइज फाइल में जा करके यहाँ पर न्यू में करोगे तो एक नया फाइल A4 साइज में निकल जाएगा। अब ये फाइल को मूव करना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉर्डर देना होगा, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर दे लेता हूँ। ठीक है, क्रॉप टूल में जाएंगे, शॉर्टकट देखिए सिलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक है, स्ट्रोक में 7 पिक्सल दे देंगे, यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। ये बॉर्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पर सेम स्टाइल में हम वही करेंगे, क्रॉप टूल में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद स्ट्रोक देंगे। ठीक है, स्ट्रोक देने के बाद 7 पिक्सल करेंगे, यहाँ पर स्ट्रोक हो गया। अब मूव टूल लेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट साइड जो है उसको हम साइज करेंगे। ठीक है, कितना साइज में चाहिए वो साइज करेंगे अपने मुताबिक। आप साइज को देखिए छोटा बड़ा कर सकते हो, तो मैं इतना बड़ा साइज रखना चाहता हूँ। ठीक है, यही साइज है, एक्सेल साइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोटो जो है वो आना होगा, तो इसका साइज जो है इतना ही रखता हूँ मैं। ओके, एक फाइल यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट जो फाइल है सेकेंड पेज, इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड पेज मैंने लेके आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फाइल के साथ आपको मेजर करना है कि करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो जैसे यहाँ पर मिडिल में मैंने रख दिया, और ये इस फाइल को भी मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि उसके जैसा हो जाए, फर्स्ट जो फोटो है उसके जैसा हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ इसके साथ, मतलब मैच करा रहा हूँ फोटो को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना है, करेक्ट हो गया है। आपको अगर कुछ डाउट है तो छोटा बड़ा करके आप फिर से देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं करेक्ट कर दिया हूँ, आप देख सकते हो इतना करेक्ट हो गया है, ऊपर से आप खींच के देख सकते हो। ओके, यहाँ पर हो गया, उसके बाद यहाँ पे इक्वल कीजिए। ठीक है, ये इक्वल हो गया, उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दीजिए। अब हम इसको हम साइज में रखते हैं, यहाँ पर एक रखेंगे और यहाँ पे एक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखना है आपको, और उसके बाद प्रिंट कर देना है जिस भी पेपर में आप करना चाहते हो। ये एक्चुअली जो साइज होता है वोटर आईडी या आधार कार्ड का, उस साइज में निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है उसी में कार्ड आता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग बनाते हैं इसी तरीके से, बनाते हैं वैक्सीन का जो कार्ड होता है छोटा वाला। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन का कार्ड जो है वो कैसे बनाया जाता है फोटोशॉप के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए टेक्निकल एचआरटी। बाय बाय।